दिख रहा होगा कि मानव शरीर से संबंधित जीके क्विज, यानी कि जितने भी मानव शरीर विज्ञान से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो में प्यारे साथियों लास्ट तक बने रहें, वास्तव में एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होने वाला है। और देखिए, कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो इनमें से, उन सभी के लिए जो है ये लाभदायक होने वाला, किसी एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इन सभी की तैयारी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी के लिए समान उपयोगी साबित होने वाला है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं या कितने सेल हो सकते हैं या कितने भागों में बांटा गया है। तो आप जितने भी स्तनधारी होते ऐसे भी कहा जाता तभी। तो पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों 4, 5 या 2 या 3। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, मानव हृदय कितने कोष्ठक होते हैं आप बताओगे 4 कोष्ठक होते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें कितने कोष्ठक होते हैं आप बताओगे 4 कोष्ठक होते हैं। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, उत्तर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ले सकता है, किस से ले सकता है। तो ओ और ए बी से, केवल ओ से, केवल ए और बी से, केवल ए बी और ओ से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ उत्तर करते रहें। तो इसका उत्तर आंसर बी कर, केवल ओ से जो है ले सकता है। लेकिन आपको बता दूं ये ओ जो है सभी को रक्त दे सकता है, ये सर्वदाता के नाम से किसे जाना जाता है आप कह सकते हो, सर्वदाता, ओ को सर्वदाता के नाम से जाना जाता है, ये नाम आपको याद रखना है। और ए बी को सर्वग्राही, मतलब सबको ग्रहण करने वाला, ए बी क्या है तो आप बताओगे सर्वग्राही है। चलते हैं, मनुष्य के कान में कुल, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप क्या बताएंगे इस प्यारे साथियों, मनुष्य में कुल कितनी, 202, 200 या 212 या 206। तो इसका उत्तर 206। यदि बच्चों में कहा जाएगा 300+ हड्डियाँ किसमें होती हैं आप बताओगे, बच्चों में, छोटे बच्चों में 300 हड्डियाँ होती हैं। और बड़ों में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो आप बताओगे 206। कुछ हड्डियाँ बाद में मर्ज होती हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे। और यदि कहा जाए बच्चों में दांत टोटल कितने होते हैं आप बताओ, 20 दांत होते हैं। और ये दांत गिरने के बाद दोबारा दांत निकलते हैं, टोटल 32, बड़ों में कितने, तो 32 दांत होते हैं। यदि पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं तो आप क्या बताओगे, टोटल 22 दांत पूरे जीवन काल में निकलते हैं, ये आपको याद रखना है। दूध वाले दांत कहा जाएगा तब भी आपको 20 दांत ही बताने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बेहतरीन आ रहा है। यूनिवर्सल डोनर या सर्वात्रिक दाता किसे कहा जाता है, ए बी प्लस को या ए बी समूह को या बी प्लस को या ओ समूह को, सर्वात्रिक यानी सबको देने वाला किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबको ग्राही जब कहता तो ए बी समूह हो जाता, सबको देने वाला कौन हो जाए तो ओ समूह हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका क्या डी करेक्ट हो जाएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, 300 होती है, 350 होती है, 200 होती है, 206। तो नवजात शिशु की अभी बात हो चुकी है, कितनी होती हैं आप क्या बताओगे प्यार साथियों, 300, टोटल 300 हड्डियाँ किसमें होती हैं, नवजात शिशु में या बच्चे में, जो भी कहे तो आपको बता, छोटे बच्चे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक अदाता क्यों कहा जाता है, उसमें रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसमें प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसमें प्रतिपिंड का अभाव होता है उसके रक्त में, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर प्यार साथियों क्या हो जाएगा, उसमें प्रतिजन, प्रतिपिंड का अभाव होता है यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है। चल तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा प्यार साथियों। मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, खोपड़ी में पूछा गया ना कि सिर में, तो खोपड़ी में आपको बता दूँ टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। और सिर में कितना कहा जाएगा, तो सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें 4 से 14, 4 से चेहरे में 14 हड्डियाँ, 8 खोपड़ी में, 6 कान में और 1 जो होती है गले में होती। तो आपको 29 आपको याद कर लेना है, अब इसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना है या बार बार रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी परमानेंटली। तो चलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता है यानी सबको ग्रहण कौन करता है, ए बी ओ या ए या बी, ग्राहता कौन है तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, ए बी क्या है, सर्वग्राही है, यहाँ पर ग्राहता लिखा बात एक ही हो जाएगा। तो इसका उत्तर, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 14 होते हैं, 11 होते हैं, 12 या 10। तो पसलियाँ कितनी होती हैं आप बताओगे 12, लेकिन छाती में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो क्या बताओगे प्यारे साथियों, देखिए 12 दुना कितना हो जाएगा जोड़ी का है तो 24 हो जाएगा, और एक इन दोनों पसलियों को जोड़ने के लिए तो कितना हो जाएगा आप बताओगे, टोटल 25
हड्डियाँ होती हैं, कह सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, कह सकते हो आर्य समूह वाले कौन सी जोड़ी का विवाह उपयुक्त नहीं है, कौन सी किसका विवाह उपयुक्त नहीं है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? आर्य समूह वाले किसका किसका, तो आर्य प्लस और आर्य माइनस महिला की शादी नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा पहला बच्चा तो सही हो लेकिन दूसरा बच्चा जो है पेट में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी आर्य प्लस पुरुष और आर्य महिला की शादी नहीं साथ करनी चाहिए, इसका मतलब कुंडली नहीं मिलाना चाहिए, कुंडली के साथ साथ आर्य समूह को मिलाना चाहिए शादी से पहले। चलते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी अस्थि कौन सी है, भुजा की है, गर्दन की है, जांघ की है, जबड़े की, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा पैरासत? जबड़े की हड्डी क्या होती है, सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। सबसे छोटी हड्डी को किसे कहेंगे, तो कान की हड्डी स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कहेंगे तो आप क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, इसे फीमर या उरू के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, आरएच फैक्टर नाम किससे संबंधित है, मनुष्य से, बिल्ली से, भालू से, बंदर से, तो आपको बता दूं आरएच फैक्टर की खोज सबसे पहले रीसस नामक बंदर में हुआ था। तो आरएच का मतलब किससे संबंधित है, आप बताओ, बंदर से संबंधित है। और कौन से बंदर, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, रीसस बंदर से संबंधित है। जितने लोग भी 12 क्वेश्चन तक है वो साथ साथ कमेंट बॉक्स में करते रहे, उत्तर चैट बॉक्स में भी करते रहे, मैं देखता हूँ कमेंट कोई नहीं कर रहा है, कमेंट में आंसर जरूर देते रहें। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें जो लिखेंगे वो चीज़ें परमानेंट होने लगेंगी। देख रहे हैं हालांकि ठीक है, लेकिन देखने के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करिए। जैसे 12 का, ये 12 का भी ऐसे करके कमेंट करते रहें, आप लिख पाएं तो 12 का ऐसे बंदर वगैरह भी लिख सकते हैं, 12 का भी बंदर ऐसे, लेकिन इतना समय ना हो तो आप डायरेक्ट 12 ए बी सी डी लिख सकते हैं। जब गलत हो जाएंगी चीज़ें आपको परमानेंटली याद हो जाएंगी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात हो जाएगी, भी बात हो चुकी है, तो बताओगे स्टेपीज। कान की सबसे छोटी हड्डी, कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, तो टोटल कितना बताएंगे आप, 6 हड्डियाँ होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेपीज हो जाएगा। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, विपत्ति के, संक्रमण के, या प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी से, तो इसका उत्तर एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, संक्रमण को बचाता है हमको कौन, एंटीबॉडीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात हो कौन है, टीबिया है, फीमर है, स्टेपीज है, फिबुला है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अभी बात हो चुकी सबसे लंबी हड्डी कौन, सब फीमर, इसी को किस नाम से, उरु अस्थि के नाम से जाना जाता है, उरु, मैं इसको लिख दे रहा हूँ उरु अस्थि के नाम से, किसे तो आप बताओगे, उरु अस्थि के नाम से फीमर को ही ना जाना जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है, या थाई जिसे कहा जाता है। एंटीजन का एक ऐसा पदार्थ है जो पत्ररक्षा के निर्माण को बढ़ाता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग में किया जाता है, शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, प्रतिरक्षा के निर्माण में जो बढ़ावा देता है कौन, तो आप बताओगे एंटीजन, इसी को प्रतिपिंड के नाम से जाना जाता है, जो किसमें, ए बी में प्रतिपिंड नहीं पाया जाता है। चलते हैं, निम्न से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है, देखिए टा से टीक या टा से टांग, आपको टांग कही है, ठीक है, फीमर भी है और फिबुला भी है, ह्यूमरस, हाथ से ह्यूमरस, हाथ से हाथ याद कर सकते हो, ह्यूमरस क्या है, तो इसमें कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा पैरसा, तो ह्यूमरस किसमें होती, तो हाथ से ह्यूमरस, आपको हाथ से हाथ याद करके रखना है। आप डेली जीवन में जुगाड़ और कोरिलेशन यानी कि सहसंयोजक मेथड का जरूर प्रयोग करें, इससे क्या होगा, चीज़ें बहुत परमानेंट, मैंने खुद पे अपने ऊपर भी प्रयोग किया है और अपने बच्चों के ऊपर भी प्रयोग किया है, इसका रिजल्ट 100% है, आपको चीज़ें रिटेन होंगी और आप करेक्ट एग्जाम में लगा के आएंगे। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ए बी में, ओ में, ए में, या बी में, तो किस में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो आप बताओगे ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता, तो एंटीबॉडी या प्रतिपिंड, तो आप बताओ ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। चार इसको चीज़ों को लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो एंटीजन एंटीबॉडी में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और आप गलत करके चले आएंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा और बाद में आप पछताएंगे, काश मैंने जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होता और रिवीजन कर लिया होता तो आज कल्याण हो जाता, क्योंकि पेस फेल और पास होने के लिए एक नंबर नहीं 0.1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है, ऊपरी भुजा में, अगर भुजा में, जांघ में या पिंडली में, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ह्यूमरस कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताओ ऊपरी भुजा में क्या पाई जाती है, ह्यूमरस पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, ऊपरी भुजा में क्या ह्यूमरस पाई जाती है, वैसे कहा जाए तो हाथ में ह्यूमरस का क्वेश्चन है,
किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ए बी में, ओ में, या ए में या बी में, तो किस में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो ओ में जो है दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता। देखिए याद रखिएगा, एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें, ओ में एंटीबॉडीज, तो एंटीजन किस में पाया जाता है, तो ए बी में एंटीजन पाया जाता है, ये आपको याद है, एंटीजन को प्रतिपिंड कहा जाता है। चलते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती, ठोस होती, कीलक होती, खोखली, सरंध्री होती है, तो आपको बता दूं कैसी होती, तो आप बताओगे ना तो कीलक होती ना खोखली, सरंध्री मतलब इसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे माइनर छिद्र होते हैं, इसमें आरबीसी का निर्माण होता है, तो आप बताओ सरंध्री होती हैं, ये आपको याद रखना है। किस रक्त के वर्ण में एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता, अभी देखिए एंटीजन नहीं की बात होती है, अभी एंटीबॉडी की, ए बी में, ओ में या ए में, इसको बार बार जान के रिपीट हो रहा है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो किस में, ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो क्या पाया जाता, तो आप क्या बताओगे, एंटीजन पाया जाता है इसमें, एंटीजन, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। चलते हैं, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, भुजा में, मुंह में, खोपड़ी में, टांग में, भुजा, टीबिया नामक हड्डी, टा से टीबिया, तो टा से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, टांग, ये मैं बार बार बताता हूँ, टा से टीबिया, और हा से हिमरा, सा से हाथ, तो इसका उत्तर आप बताएंगे करेक्ट हो जाएगा। आरएच फैक्टर का पता सर्वप्रथम किसने लगवाया था, तो आप क्या बताएंगे, लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर बीनर ने, ल्यूबेनहॉक ने या बीनर ने, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, लैंडस्टीनर तथा बीनर ने जो है आरएच फैक्टर की खोज किया था, किसमें किया था, तो रीसस नामक बंदर में किया था। कमेंट आप साथ साथ करते रहें, आपको जरूर इसका फायदा मिलने वाला है प्यारे साथियों। चलते हैं, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है, ऋग्वेद में, भुजा में, मेरुदंड में, जांग में, तो मैं बार बार कहता हूँ सबसे लंबी हड्डी किस में पाई जाती है प्यारे साथियों, तो बताओगे जांग में पाई जाती है, सबसे, जांग को थाई के नाम से भी जाना जाता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, वियनर है, ल्यूबेनहॉक, लैंडस्टीनर है, लिवाइन है, तो आप क्या बताएंगे इसके, लैंडस्टीनर किसके खोजकर्ता, तो आप बताओगे रक्त समूह के खोजकर्ता लैंडस्टीनर है। चलते हैं, दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम, फास्फोरस है, फास्फोरस, सल्फर है, पोटेशियम और फास्फोरस है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, तो इसका उत्तर सर्वविदित होगा कैल्शियम तथा फास्फोरस, कहीं फास्फोरस की जगह फास्फेट होगा तब भी करेक्ट मानिएगा। दांतों तथा हड्डियां किसकी बनी होती, तो बताओ कैल्शियम तथा फास्फेट की बनी होती हैं। जब कोई व्यक्ति बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करती है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो इसका उत्तर क्या, पहला हो जाएगा पट्टिकाणु, जीव द्रव्य, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमको रक्षात्मक पदार्थ, ये हमारी रक्षा करता है रोगों से, तो डब्ल्यूबीसी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है और रोगों से लड़ता है, तो आप बताओ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मीन्स जानते हैं आप, वाइट ब्लड सेल्स हो। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर कैल्शियम की कमी से क्या हो जाती है, बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं में कौन सी किस्म अधिक होती है, लिम्फोसाइट होती है, न्यूट्रोफिल्स होता है, इसिनोफिल्स होता है, बेसोफिल, ये किसमें पूछ रहा है, श्वेत यानी डब्ल्यूबीसी में किसकी मात्रा अधिक होती है, कई पिगमेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बता दें, न्यूट्रोफिल जो है डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक पाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में करना कि डब्ल्यूबीसी में कौन सा किस्म रुधिराणु का कौन सा किस्म सबसे अधिक होता है, ये आपको आरबीसी में बताना है, अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा ये क्वेश्चन मिलने वाला। अस्थि में कौन सा लवक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, फेरिक, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट जो है पाया जाता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य कौन सा है, तो पहला O2 को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाना, CO2 को लेना, इनमें से कोई, देखिए आरबीसी काम होता है तो ये रोग प्रतिरोधक, ये O2 को ले जाना, लेकिन आप बताओ सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो आप बताओ रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, 20 दांत, 28 दांत, 4 दांत या 12 दांत,
तो इसका मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 20 दांत जो है दो बार जो है विकसित होते हैं मनुष्य के पूरे जीवन काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बात हो चुकी है उच्च उन्नत यानी कि ऊंचाई पर जाने पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होगी? तो आरबीसी की संख्या सदैव बढ़ती ही है, आपको याद रखना है, और सोते समय आरबीसी का लेवल घट जाता है। तो इसका उत्तर आकार सदैव क्या होता है, संख्या बढ़ेगी आकार बढ़ेगा, तो ये आपको बता दूँ आरबीसी क्या होती है, संख्या बढ़ जाती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य का पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका उत्तर प्यार साथियों क्या हो जाएगा, छोटी आंत में क्या होता है, मनुष्य के अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है, जबकि बड़ी आंत में क्या होता है, केवल आपको बता दूं जल तथा खनिज लवण का ही सब जो है अवशोषण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अस्थि मज्जा द्वारा, हृदय द्वारा, यकृत द्वारा, हार्मोन द्वारा। तो आरबीसी का निर्माण आपको बता दें किसके द्वारा होता है, तो बताओगे आरबीसी और अस्थि मज्जा, यानी इसी को बोन मेरो में जो है ब्लड का निर्माण कहा जाए तब भी बताएंगे आप अस्थि मज्जा बोन मेरो जो भी रहेगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? मुख में, पक्वाशय में, मलाशय में, आमाशय में। तो पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? तो इसका उत्तर प्यार साथियों क्या हो जाएगा, पाचन क्रिया जो है मुख से, और मुख में किसका पाचन होता है? तो बताओ कि मंड या स्टार्च का पाचन जो होता है मुख में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, अस्थि मज्जा में, हृदय में, तिल्ली में। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में या बोन मेरो में किसका आरबीसी का निर्माण होता है? आरबीसी का फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स होता है। चलते हैं मुख में स्टार्च का पाचन शर्करा पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च पाचन किसके, पेप्सिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा, टाइलिन के द्वारा। स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है, किस एंजाइम के द्वारा? तो बताओगे टाइलिन एंजाइम के द्वारा जो होता है स्टार्च का पाचन होता है। प्यारे साथियों बने रहे लास्ट तक, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। निम्न में से आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 180 दिन, 190 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है प्यारे साथियों, आप बताओगे कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। आप संविधान से जुड़े भी कोई संविधान पढ़े हुए तो उनको भी देखना ना भूलें चैनल पर। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है, कार्निया नहीं है, आंत नहीं। तो कार्निया आप जानते हैं आँख का हिस्सा है, तो अच्छा आँख में कौन सा भाग दान किया था? तो आप बताओगे कार्निया। यदि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप बताओगे रेटिना में बनता है। तो दोनों को याद करके रखना है साथियों। निम्न से कौन किसको आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को, प्रसूतिका को, यकृत को, अस्थि मज्जा को। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? बताओ प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, यानी आरबीसी कहाँ पर मरता है? तो जाके प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली में जाके मरते हैं। शरीर में एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, क्यों एंजाइम की आवश्यकता है? शरीर के रचनात्मक भाग के लिए, रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए। ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इसका उत्तर एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम प्यारे साथियों ये रासायनिक क्रियाओं को यानी पाचन में सहायक करते हैं, रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक में काम करते हैं एंजाइम। चलते हैं जैसे लार का पाचन कौन सा, टाइलिन एंजाइम से होता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं, यकृत में, अस्थि मज्जा में, तिल्ली में, वृक्क में। तो आरबीसी का निर्माण आप बताएंगे प्यारे साथियों कहाँ पर होता है? तो आप बताओगे आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन है, एरेप्सिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है? तो इसका उत्तर दुग्ध प्रोटीन को कौन पचाता है, बताओ रेनिन प्रोटीन जो है। अभी सभी ऑप्शन मिलने वाले हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं इसका। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं, थ्रम्बोसाइट, इओसिनोफिल्स, इरिथ्रोसाइट या ल्यूकोसाइट? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी को किस नाम से, डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों को आपको याद करके रखना है साथ साथ। अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से, पेट से, बड़ी आंत से, मुंह से? अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो आप बताओगे छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व, और जबकि बड़ी आंत से केवल खनिज लवण और जल का अवशोषण होता है। चलते हैं रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोफिल या लिम्फोसाइट? किसके द्वारा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रुधिर में जो है प्लाज्मा निम्नलिखित किसके एंटीबॉडी निर्मित करती है, तो लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है,
टेनिन पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है, रेनिन या टाइलिन। अभी इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है आपको, लार में कौन सा, टाइलिन एंजाइम पाया जाता जो मंड या स्टार्च के पाचन में सहायक है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, तो हीमोग्लोबिन, हिपायरिन, फाइब्रिन या प्लाज्मा। तो फाइब्रिन, हिपायरिन के कारण जो है शरीर के अंदर जो है रक्त नहीं जमता है, ये आपको याद रखना है। और किस विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के कारण। पेट में भोजन को पचाने निम्नलिखित निम्नांकित से किस खास की आवश्यकता होती है, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, किस खास की आवश्यकता होती है, तो बताओ एंजाइम की आवश्यकता होती है। टाइलिन आप जानते हैं, टाइलिन भोजन के मुख से ही पचाना शुरू कर देता है स्टार्च का। तो ऐसे तमाम अभी सबकी बात होने वाली है, परेशान ना होना। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, लसिकाणु द्वारा, श्वेत यानी लोहित कोशिका या बिंबाणु द्वारा। तो आप बताएं आरबीसी क्या करता है हमारे रक्त में, ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, इसी को लोहित कोशिका मतलब आरबीसी, आपको याद रखना दोनों बात एक ही है। चलते हैं, लार किसके पाचन में सहायक है, फाइबर के, वसा के, प्रोटीन के, स्टार्च के। लार आपको बता दूं किसके पाचन में सहायक है, तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों में हृदय ले जाती हैं, तो साफ में कौन सी ले जाती हैं, पहला है हृदय सिरा, हृदय सिरा या फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस हृदय धमनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा क्या हो जाती है। देखिए सिराएं सब काम क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन फुफ्फुस सिरा क्या करती है आपको बताएं, फुफ्फुस सिरा जो है शुद्ध रक्त ले जाती है, ये आपको याद रखना है। और फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, दोनों का अपोजिट कर देना है बस करेक्ट हो जाएगा। मानव के अमाशय में यकसमलों उत्तनों जो भोजन के पाचन में सहायक, कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में, तो आप बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन, HCl। इससे जो है HCl को और किस नाम से जानता है, इससे म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, पेट का अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो आप बताओ एक होता है। तो इसका उत्तर आप बताओगे प्यारे साथियों, एक हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, पट्टिकाणु का है, जीवद्रव्य का है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी। हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, तो बताओ हीमोग्लोबिन जो है डब्ल्यूबीसी नहीं आरबीसी का पार्ट है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी को और किस नाम से जाना था, तो इरिथ्रियोसाइट को, जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषित अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में, अमाशय में, तो कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे छोटी आंत में क्या होता है रक्त द्वारा जो है अवशोषण होता है भोजन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, रक्त अल्पता का निवारण करना, लौह का उपयोजन करना, ऑक्सीजन का परिवहन कर, जीवाणु का नाश करना। तो आरबीसी का मुख्य कार्य आपको बता दूं क्या करना है, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करना का काम किसका है, तो बताओगे आरबीसी का। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ग्रास नली में, उदर में, छोटी आंत में या मुख गुहा में, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, उदर यानी अमाशय या पेट में किसका प्रोटीन का पाचन होता है। चलते हैं, हीमोग्लोबिन में मैग्नीज होता है कि जस्ता होता है, तांबा होता है, लोहा, तो आपको बता दूं हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो बताओगे लोहा या फेरस, या इसी को फेरस को क्या, या इसी को आयरन के नाम से जाना जाता है। फेरस को किसे यफ ही से रिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, पचे हुए भोजन को मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, वृक्क करता है, कृत करता है, अमाशय करता है, अग्नाशय करता है, तो कौन सा अंग चूषण करता है, तो बताओ यकृत क्या करता है, चूषण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो बताओगे यकृत चूषण करता है। चलते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न किसके कारण से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, तो आप बता दो किसके कारण से लाल होता है रक्त, तो हीमोग्लोबिन के कारण से जो है रक्त क्या होता है, लाल होता है, यानी आप उत्तर क्या हो जाएगा प्यार साथियों, डी हो जाएगा। साथ साथ कमेंट में देख रहा हूँ बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो आप कमेंट भी साथ साथ करते रहें, बहुत समय नहीं लगता ये भी लिखने में, और आप कितना लास्ट में इसमें आपने कर पाए उसको भी कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कितना। पेप्सिन एक है विटामिन है, खनिज है, एंजाइम है, हार्मोन है, तो पेप्सिन आप क्या बताएंगे प्यार साथियों, पेप्सिन एक क्या है, तो आप बताओगे एंजाइम है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है,
ओस्मोसिस, पायरोलिसिस, डायलिसिस या हीमोलिसिस? तो इसका उत्तर हो जाएगा खून को शुद्धिकरण की प्रक्रिया का होकर डायलिसिस। कौन करता है? तो किडनी याकृत करता है। पेप्सिन बदलता है किसको? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में, स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पेप्टाइड में। तो पेप्सिन क्या करता है प्यारे साथियों? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। रक्त में शुद्धिकरण कहाँ होता है? यकृत में होता है, किडनी में होता है, फेफड़े में या सभी में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? रक्त का शुद्धिकरण पार्ट में सभी भाग लेते हैं, लेकिन मुख्य कौन पार्ट है? तो अब तो किडनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पाचन क्रिया, क्योंकि आप जानते हैं कि फेफड़ा क्या था, उसमें शुद्ध ऑक्सीजन को मिलाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न से किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में, शर्करा में, वसा में, ग्लूकोज में। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन किस अम्ल में? तो बताओ अमीनो अम्ल में बदल जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है, लोहा है, कैल्शियम, जिंक। तो रक्त में कौन सी बात पाई जाती है? तो बताओ लोहा जो है पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन सा अंग है? तो बताओ ग्लाइकोजन के रूप में कौन जमा करता है? तो आप क्या बताओगे? क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%, 91 से 92%, 60 से 64%, 70 से 75%। तो कितनी मात्रा होती है? तो बताओगे 90 से 91 से 92% क्या होती है? प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त कहाँ से निकलता है? तो बताओगे अग्नाशय से, ग्रहणी से, यकृत से या अमाशय से? तो पित्त कहाँ से निकलता है? तो बताओगे पित्त जो है यकृत से निकलता है। जमा कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। जमा कहाँ? तो बताओ पित्ताशय में। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? हृदय करता है, यकृत करता है, तिल्ली करता है, फेफड़ा करता है? रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो बताओगे तिल्ली क्या करता है? रुधिर बैंक का कार्य करता है। पित्त जमा होता है यकृत में, पिलिया में, पित्ताशय में या ग्रहणी में? पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त लिखा, पित्त कहाँ? पित्ताशय जमा होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान आप साफ साफ बता दें 7.4। और बता दूं आपको, रक्त तथा आंसू दोनों का पीएच मान 7.4 होता है। प्यारे साथियों, यदि कहा जाए शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब का पीएच मान कितना? 2.8। ये शराबी जाता कितने पैरों से? 2 पैरों से। आता कितने? 8 पैरों से। कैसे जाता है? अगर ज़्यादा तो लोग हैं पीके, तो 4 लोग उठा के लाएंगे, 4 लोग कितने? 8 पैर होते, तो ऐसे याद कर सकते हैं। या सीएल का पीएच मान कितना होता है? तो बताओ 1 होता है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो बताओगे नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। कैसे? एक निबुआ दुई चार गो मिर्ची, आपने गाना सुना होगा, एक निबुआ दुई चार गो मिर्ची लटका आला चोटी में। तो 2 और 4 ये ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं, पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा अम्ल को ग्लिसराल का वसा में परिवर्तित करना, वसा का पायसीकरण करना, वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसराल में परिवर्तित करना, ये सभी। तो पित्त का मुख्य कार्य प्यारे साथियों क्या होता है? वसा का क्या करना? पायसीकरण करना या इमल्सन करना कह सकते हैं, पित्त का कार्य होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर, 3 से 4 या 4 से 5? तो कितना होता है आपको बता दूँ प्यारे साथियों? 5 से 6 लीटर जो होता है औसत मात्रा होती है एक वयस्क में। चलते हैं, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कन कितनी होती है? 72 बार धड़कता है या 90 बार या 58 बार या 67 बार? तो कितनी बार धड़कता है आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? एक मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। यदि एक धड़कन में कितना समय लगता है? तो आप बताओगे 0.8 सेकेंड, आप बताओगे 0.08 सेकेंड लगता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के कुल मात्रा का कितना प्रतिशत ब्लड होता है? 7% होता है, 5%, 10% या 25%? स्वस्थ मनुष्य के 7% वजन का जो है क्या होता है? तो आप बताओगे रक्त होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? त्वचा से, तंत्रिका से, सिरा से या धमनी से? नाड़ी दर सिरा से मापा जाता है कि धमनी से, आपको ये बताना है कमेंट में। तो इसका उत्तर आप बताएंगे धमनी से मापा जाता है नाड़ी का दर। आपने देखो डॉक्टर पकड़ता है तो मोटे वाले नस को पकड़ता है, तो इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। शरीर में विशालतम धमनी कौन सी है? केंद्रिका है, नीलय है, वेना केवा, एरोटा? विशालतम धमनी आप बताएंगे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो एरोटा क्या है? एक प्रकार का विशालतम धमनी है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
साथियों 80 शानदार क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आपको बता दूं जिन भाई बहनों ने लास्ट तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहें। और आपको बता दूं यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। इतना आप सबके लिए मेहनत किया जाता है, कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।